हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल डीजे फोटो एडिटिंग। तो गाइस आज मैं आपको स्नैपसीड ऐप के अंदर फोटो एडिटिंग सीखने वाला हूँ। ये फोटो एडिटिंग बहुत ही ऑसम होने वाला है, तो यहाँ पर फोटो एडिटिंग को भी देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। सो गाइस ये फोटो एडिटिंग को बनाने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चले गाइस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस ये फोटो को मैं आपको एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये फोटो को शेयर कर देता हूँ, गैलरी से शेयर कर देता हूँ स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो इस तरह से आपको शेयर कर देना है और स्नैपसीड ऐप को सिलेक्ट कर देना है। तो गाइस स्नैपसीड पर हमारी फोटो ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट इधर आपको एक पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, तो इसी पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। तो आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, तो ये पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। सो गाइस आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स टूल पर क्लिक करना है। सो गाइस ये रहा डिटेल्स टूल, सिंपल आपको डिटेल्स टूल पर क्लिक करके यहाँ पर पहले आपको स्ट्रक्चर को इस तरह से प्लस करें, तो प्लस आपको 66 के आसपास रखना है, तो यहाँ पर मैं 66 रखता हूँ। उसके बाद आपको शार्पनिंग मिलेगा, तो इसको आपको प्लस करके आपको रखना है 25 के आसपास, तो यहाँ पर मैं 23 रखता हूँ। उसके बाद डन करके बैक चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको फिर से आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको भिन टैग ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो गाइस ये रहा भिन टैग का ऑप्शन, सिंपल आपको भिन टैग ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर 12 नंबर भिन टैग को अप्लाई करना है, तो लास्ट में आपको मिलेगा। तो इसी भिन टैग को अप्लाई करके यहाँ पर भी आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ब्राइटनेस को आपको हल्का सा माइनस करके आपको 9 के आसपास रखना है। उसके बाद आपको सैचुरेशन को 100 करना है, तो फुली 100 करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद स्टाइल स्ट्रेंथ आपको रखना है, यहाँ पर आपको प्लस करके थोड़ी सी माइनस कर देना है, 20 से घटा करके आपको 17 के आसपास रखना है, तो यहाँ पर मैं 17 रखता हूँ। और यहाँ पर आपको बिगनेट को आपको प्लस करके आपको 26 रखना है एंड गैस आपको डन करके बैक चलना है। तो गैस बिफोर आफ्टर भी देख सकते हो कितना ज़्यादा चेंज हो चुकी है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर ये जो टोन को हटाना पड़ेगा, तो इसी आइकन पर क्लिक करना है। सो गैस आपको इसी आइकन पर क्लिक करेगा, व्यू एडिट्स पर क्लिक करना है और व्यू एडिट्स पर क्लिक करेगा, वो बिगनेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बीच का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, जो सारा कुछ कलर जा चुकी है लेकिन आपको लाना पड़ेगा, तो कैसे लाना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड आपको एक आइकन मिलेगा, इसी आइकन पर क्लिक करना है, तो आ चुकी है। सो गाइस अभी आपको क्या करना है, जो ये ऑप्शन को आपको जीरो रखना है, अगर आपको इरेज करना है तो ये ऑप्शन को जीरो रखना है, अगर आपको कलर को अप्लाई करना है तो इसी ऑप्शन को आपको 100 करना है, तो यहाँ पर मैं जीरो कर देता हूँ क्योंकि हमें इरेज करना है। सो गाइस अभी आपको इस तरह से जूम करना है, जूम करके आपको क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर आपको ये सैचुरेशन टोन को आपको हटा देना है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से स्क्रीन के ऊपर ये टोन को हटा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे और क्या करना है। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से एज हो चुकी है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर डन करके बैक चलते हैं। बैक जाने तक क्या है, भिन टैग ऑप्शन पर फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सैचुरेशन को आपको डाउन लेना है, तो सैचुरेशन पर लाता हूँ, तो ये सैचुरेशन को आपको -100 कर देना है, तो -100 करके आपको डन करके बैक चलते हैं। तो यहाँ पर डन करके बैक जाने के बाद अभी आपको क्या है, बैक बटन पर क्लिक करना है, लेफ्ट आपको बैक बटन मिलेगा, तो यहाँ पर मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद अभी आपको टूल्स पर क्लिक करना है और व्हाइट बैलेंस पर क्लिक करना है। तो गाइस ये रहा है व्हाइट बैलेंस, आपको दिखा देता हूँ, ये रहा व्हाइट बैलेंस। व्हाइट बैलेंस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो टेम्परेचर मिलता है टेम्परेचर को आपको माइनस करना है, तो माइनस कितना रखना है, आपको माइनस रखना है 24 के आसपास। और गैस आपको टिंट को प्लस करना है, हल्का सा प्लस करना है, माइनस करने पर ये देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको टिंट को प्लस करके आपको 26 आसपास करना है एंड गैस आपको डन करके बैक चलना है। तो गैस अभी आपको टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो पोर्ट्रेट का ऑप्शन ये रहा पोर्ट्रेट का ऑप्शन, तो पोर्ट्रेट ऑप्शन पर क्लिक करना है और गैस आपको पोर्ट्रेट पर आपको क्या करना है, स्मूथ वन को अप्लाई करना है, तो स्मूथ वन पर रखना है और इसको आपको प्लस करके आपको कितना रखना है, तो आपको जितना अच्छा लगता है उतना ही रखना है, तो यहाँ पर मैं प्लस करके रखूँगा 14 के आसपास। और गैस यहाँ पर मैं डन करके बैक चलता हूँ। और गैस अभी आपको क्या करना है, जो PNG वगैरह को लाना है, बटरफ्लाई PNG को लाना है, तो बटरफ्लाई PNG को लाने के लिए अभी आपको टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करेगा, वो डबल एक्सपोजर पर क्लिक करना है। तो गैस अभी आपको ये एड फोटो का ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अभी आपको बटरफ्लाई का PNG मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, बहुत ही ईजी तरीके से जाकर डाउन कर सकते हो। तो ये बटरफ्लाई PNG को ऐड करके इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसी ऑप्शन पर क्लिक करने में आपको ऐड कर लेना है, ऐड करते ही देख सकते हो ब्लैक स्क्रीन हट चुकी है। तो वैसे अभी आपको क्या करना है, जो बड़े वाला बटरफ्लाई को आपको जो मोल्ड की जो हेड के पास ही आपको बगल में ही रखना है, बहुत ही अच्छा दिखेगा, इसको आपको डन करके बैक चलना है और फिर से आपको वही प्रोसेस को अप्लाई करके और एक पार्टिकल PNG को ऐड करना है, तो पार्टिकल PNG भी आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको भी ऐड करके यहाँ पर क्या करना है, इसी ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर लेना है, तो ऐड करते ही देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारी जो एडिंग, लेकिन इसको इरेज करना पड़ेगा, तो व्यू एडिट्स पर क्लिक करके इसको आपको इरेज करके हटा देना है, तो बीच का ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको आपको जीरो करके इरेज कर देना है। तो यहाँ पर फेस के ऊपर हटा देना है, सिर्फ आपको फेस को ऊपर हटा देना है और जो बड़ी बड़ी डॉट्स हो उसको आपको हटा देना है बॉडी से। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही मजा लग रहा है हमारी जो एडिटिंग, तो यहाँ पर मैं डन करके बैक चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर फोटो को देख सकते हो, यहाँ पर आपको बैक करके दिखा देता हूँ, ये रहा V4,
एंड आफ्टर बहुत ही एडिटिंग हो चुकी है। सो गाइस आई होप आपको एडिटिंग अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलेगा मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।